हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक स्क्वायर रूट ट्रिक लेकर आया हूं, जिसको यूज़ करके आप कोई भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट जो है बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें पहले तो 1 से लेकर 10 के स्क्वायर्स हमें याद रखने चाहिए। ऑलमोस्ट सभी लोगों को आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो इनको याद रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 361 में हमें दो ग्रुप बनाने होंगे। लेफ्ट साइड से दो ग्रुप बनाएंगे। पहले तो 61 का एक ग्रुप बनाएंगे और 3 का एक ग्रुप बनाएंगे। तो 61 के ग्रुप में हमें ये देखना है कि हमारा आखिरी नंबर क्या है। तो हमारा आखिरी नंबर 1 है। 1 हमारा यहाँ पे आता है 1 के स्क्वायर में, और 9 के स्क्वायर में 1 हमारा आता है आखिर में। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 19। तो 3 के ग्रुप में हमें देखना है कि 3 हमारा जो वैल्यू है ये किस वैल्यू के बीच में आता है, कि 3 जो है हमारा 1 और 4 के बीच में आता है। तो हमें यहाँ पर कम वैल्यू लेनी होगी। तो कम वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 के पीछे का जो स्क्वायर रूट होगा 1 होगा। तो हम इस तरह से लिख लेंगे 1। हमारा पहला नंबर 1 है, इसके बाद या तो 1 है या तो फिर 9 है। इसे कन्फर्म करने के लिए हमें ये हमें जो 1 मिला है इसको इसके आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके आगे के नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 तो कितना होगा, 2 होगा। हमारा जो 3 वैल्यू है, अगर ये 2 वैल्यू से बड़ा है तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी होगी। अगर छोटा होता तो छोटी वैल्यू लेनी होगी। तो हमारा यहाँ पर 3 2 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट होगा, 361 का स्क्वायर रूट होगा 19। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1369, इसमें भी दो ग्रुप बना लेंगे, 69 का एक ग्रुप, 13 का एक ग्रुप। 69 के ग्रुप में हमें आखिरी नंबर क्या है हमारा, 9 है। तो 9 कहाँ कहाँ पर आता है, 3 के स्क्वायर में एक आता है और जो है 7 के स्क्वायर में आता है। तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, 3 7। और हमारा 13 हमें दूसरे ग्रुप में जाना है, तो 13 हमारा कौन से वैल्यूज़ के बीच में आता है, 13 हमारा जो है 9 और 16 के बीच में आता है। तो हम इसको यहाँ पर छोटी वैल्यू लेंगे, छोटी वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। तो 9 के पीछे का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। तो पहली हमें नंबर मिला, पहला हमारा 3 होगा। तो उसके आगे की वैल्यू या तो 3 है या तो 7 है। तो उसको कन्फर्म करने के लिए हम इस 3 को क्या करेंगे, उसके आगे की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 13 हमारा 12 से बड़ा है तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी होगी। अगर छोटा होता तो हम छोटी वैल्यू लेते। यहाँ पर बड़ा है तो हम 13 12 से बड़ा है तो हम इस यहाँ पर बड़ी वैल्यू लेंगे। तो 37 इसका 1369 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 37। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, इसका 4096 का स्क्वायर रूट कितना होगा। यहाँ पर भी हम दो ग्रुप बना लेंगे। 4096 में 96 का एक ग्रुप बना लेंगे, 40 का एक ग्रुप बना लेंगे। तो 96 के ग्रुप में आखिरी नंबर हमारा 6 है। तो 6 कहाँ कहाँ पर आता है, 4 में आता है 6 और जो है 6 में आता है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 4 6, ठीक है। अब हम 40 हमारा कौन से वैल्यू के बीच में आता है हम देखेंगे। 40 जो है हमारा 36 के बीच में आता है और 49 के बीच में आता है। तो हम छोटी वैल्यू यहाँ पर लेंगे 36, उसके पीछे का स्क्वायर रूट होगा 6। तो हमारी पहला नंबर यहाँ पर 6 है और उसके आगे की नंबर हमें कंफर्म करने के लिए हमें 6 के आगे की नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना होगा, 42। यहाँ पर 40 जो है 42 से कम है तो हमें कम वैल्यू लेनी होगी। अगर 40 बड़ा होता, यहाँ की वैल्यू अगर इस मल्टीप्लाई से बड़ी होती तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी होती। यहाँ पर छोटा है तो हम छोटी वैल्यू लेंगे। तो 64 इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, कितना आसान है परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करना। आप भी ना एक स्क्वायर रूट को फाइंड कर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 9801 का जो है स्क्वायर रूट कितना आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।